फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है 3 फरवरी और कल है 4। तो हम लोग कल सुबह मॉर्निंग में निकलने वाले हैं अपने होम टाउन देवरिया। यक्षु का फंक्शन है, मुंडन का, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। 14 फरवरी को है यक्षु का मुंडन। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने पैकिंग कर लिया है। मैंने अभी थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी, यक्षु का कपड़ा नहीं रखा गया है और इनके पापा का और जो भी इनका टॉयज़ वगैरह सब यक्षित ने रख लिया है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग मैं दिखाऊंगी दिल्ली टू देवरिया। ओके फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से और आज यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा फॉग हो चुका है। तनी मौसम इतना ख़राब हो गया रात को। मास्क लगाई हो ना? तो फ्रेंड देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, मौसम काफ़ी साफ हो गया है और हम लोग थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी हो रहे हैं। बहुत बेकार मौसम था सुबह का। ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है हाईवे का। और यक्षित अपने कैप्टन अमेरिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यक्षु कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं देवरिया जा रहा हूँ। किसके पास? तो फ्रेंड देखिए, हम देवरिया हम लोग कल सुबह पहुंचेंगे। आज रात को हम लोग कहीं रुकेंगे या फिर लखनऊ या कहीं और, आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो अभी आप लोग देखिए फ्रेंड, देखिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यक्षु को कुछ खाना था तो देखते हैं यक्षु क्या खाते हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हेलो यक्षु, पिज्जा खाओगे तुम? और मुझे क्या खिलाओगे? जॉली गो फूड कॉर्ट। तो फ्रेंड्स आइए, आप लोग भी खाइए। आप लोगों को खाना है तो क्या खाना है कमेंट करिए। बहुत ठंड है यहाँ पे। यक्षु थक गए, 2 मिनट भी नहीं चले। गंदे लड़के, पापा की गोदी में चढ़ जाते हो। हैं फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, पिज्जा शॉप नहीं मिली इन्हें, बंद है पिज्जा वाला। देखते हैं क्या मिलता है इनको। अरे बंद है बेटू, बने रहिए आप लोग। तो अंदर मैं ऑर्डर दूंगा। शू कहाँ बैठे हो भाई? छाता लगा है तो यक्षित को स्लाइड करनी थी इसलिए ये यहाँ पे आए थे। स्लाइड करना है, सैंडल पहन लेना अपने। चलो लेट्स गो। आप नहीं, अब हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं जी? जेवर टोल। जेवर टोल पे और
लग रहा है कि अब हम अपनी जो ये ट्रिप है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है सब। जो रुके थे कुछ खाए पिए हैं फिर चल दिए हैं। और यक्षित अपना यहाँ सॉन्ग लगा लिए हैं इसलिए थोड़ी सी आवाज़ एक से थोड़ा साउंड कम करो बेटा। देखिए हम लोग अलीगढ़ क्रॉस कर दिए। अलीगढ़ अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे अलीगढ़। वो दिखा नहीं है फ़ोन में अच्छे से क्योंकि मैं बैग पे बैठी हूँ अपने बेटे की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा रिलैक्स है। जल्दी उठ गया था आज अक्षु। और इसमें इनका फोन भी चल। तो फ्रेंड देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे, अभी 11 बज रहे हैं। याद का दिन रखा है 8 फरवरी को। फ्रेंड ये टोल है, कहाँ का टोल है? ये मथुरा का टोल है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं। इधर फिर से निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस रास्ते से गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और ब्लॉग में बने रहिए। बहुत अच्छा ब्लॉग है ये, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। हेलो फैमिली, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी, इधर धूप निकली हुई है, कितना अच्छा लग रहा है ना एक्चुअल। हाँ। और हम लोग खूब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। फ्रेंड हम लोग कृष्ण की नगरी में पहुंच चुके हैं, तो प्लीज एक बार जयकारा लगा लीजिए कृष्ण जी की। राधे राधे यक्षु, यक्षु राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखिए हम लोग गाड़ी में गाना भी लगा लिए हैं कि सॉरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, फेवरेट सॉन्ग, मतलब ऑलवेज हम लोग यही सॉन्ग सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब भी हम कहीं जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, कृष्ण जी ने अपनी नगरी में धूप भी रखी है, हमारे तरफ तो कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स एंजॉय करिए आप लोग भी। राधे राधे। कृष्णदामोदरं चितं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। तो फ्रेंड देखिए हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, ये आने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए। और यक्षित को देखिए, यक्षित को गर्मी लगने लगी थी तो इन्होंने अपना स्वेटर वेटर निकाल दिया है। और इनका कैप्टन अमेरिका सो रहा है, अभी तक 1 बज रहे हैं इसको। अरे 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 फ्रेंड्स लोग, हाँ जो वो अंकल है ना, हाँ हमारी हमारी गाड़ी पे जब स्क्रैच लगा तो वो अंकल हमारी गाड़ी को कैदी कर लिए। हाँ तो ये जहाँ पे टोल कट रही थी वहाँ यक्षित डर गए, इन्हें लगा है कि हमें कैद कर लिया है किसी ने, फिर ये रोने लगे थे। अभी ये नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है। इतना गुस्सा आ रहा और इनको बहुत गुस्सा भी आता है। अभी पैसे दे दो। रोवा है कैसे, रोने लगा यक्षु। अभी उनको जाके बताऊंगा जो मेरा हो रहा है। पापा फ्रेंड देखिए आगरा लखनऊ जी, कृष्ण जी अपनी इतनी छोटी सी फिंगर पे पहाड़ उठा लेते हैं। ये देखिए गाइस, यक्षित हैं, ब्रश कर रहे हैं सुबह, ये उठ के ब्रश नहीं किए थे तो अपन इनको यहाँ पे ब्रश करा दे रहे हैं। गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, घर जाके वॉश भी कराना पड़ेगा। हो गया बेटा,
ये है यमुना एक्सप्रेस वे। देखिए आप लोग कितना अच्छा बनाया गया है, एकदम गाड़ी लग रहा है जैसे माउंटेन पे चढ़ रही है। वाओ यक्षित देखो तो, यक्षु आगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग आगरा में हैं इस टाइम, देखिए आप लोग ऊपर कितनी अच्छी रोड है। तो फ्रेंड्स देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, फिरोजाबाद 40 और ये देखिए कन्नौज लखनऊ सब यहाँ से जाएगा इस एक्सप्रेसवे से। और कितना अच्छा लग रहा है। तो यक्षित इसमें भी स्पाइडरमैन ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ का स्पाइडरमैन का जाला वो सामने, ओ देखो यक्षित सामने स्पाइडरमैन का लगा हुआ है नेट, पूरा जाल जाल ऐसे फंसा, उसी में स्पाइडरमैन होता है शायद। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पहाड़ों की वादियों में हम लोग आ चुके हैं, दोनों साइड पहाड़ ही पहाड़ है और मिट्टी के पहाड़ है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए आगरा और लखनऊ का टोल। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे टोल कटने वाला है आगरा लखनऊ, यहाँ पे कैश लेना है सिर्फ। यहाँ पे आपका टोल कटेगा गाड़ी का। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी यहाँ पे अपना टोल कटवाएं तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यक्षु एंड मम्मा चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें आप लोग के लिए। तो फ्रेंड देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है, हरे हरे पेड़ पौधे। वाओ मुझे ऐसे तो व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं देखना, बट अभी हम लोग इस टाइम गाड़ी के अंदर हैं तो अंदर से ही देख सकते हैं, अंदर से ही महसूस कर सकते हैं। आप लोग भी देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे यक्षित अपने लिए डोसा मंगाए हैं और ये डोसा खा रहे हैं। कैसा लग रहा है यक्षु? यम्मी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पनीर दो प्याज़ा और ये तड़के वाली दाल मंगाए हैं, हम लोग यही खाएंगे आज लंच में। और यक्षु अपना डोसा एंजॉय कर रहे हैं। जल्दी जल्दी खेल लो, जल्दी जल्दी दबाओ से। स्लाइडिंग छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए आप। हाँ मैं पकड़ूंगी, पहले पकड़ लिया।
शतम केशवम कृष्ण नामो। लखनऊ आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, कन्नौज उन्नाव, आगरा लखनऊ, आगरा लखनऊ। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग थोड़ी देर रुके थे, खाना पीना खाए हैं, थोड़ा सा रेस्ट किए हैं और फिर हम लोग निकल गए हैं अपनी राइड पे। अब हम लखनऊ जाके स्टॉप करेंगे और फिर हम सुबह निकलेंगे। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। फ्रेंड देखिए हम लोग कन्नौज आ गए हैं और बहुत फास्ट आए हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चला है। फ्रेंड देखिए ये हम लोग जहाँ रुके थे लंच करने के लिए, वहाँ से मैंने ये मंचली इमली खरीदी है और ये बहुत टेस्टी लग रही है। बहुत खट्टी मीठी, बहुत अच्छा है इसका टेस्ट है। तो आप लोग भी ट्राई करें इसे, मंचली इमली। यहाँ पे मेला लगा था किसी चीज़ का और पता नहीं ये कौन सी जगह है, नहीं पता चल रहा है। देखिए कितना भीड़ भाड़ है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, नहीं ये लग रहा है जैसे मुस्लिम एरिया है, पता नहीं, नहीं पता चल रहा है कुछ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट के लिए, मेरे हस्बैंड रुक रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं ड्राइव करते करते। थोड़ा चाय पियेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे। कंटिन्यू गाड़ी चल नहीं पाती है तो रेस्ट करते करते आप लोग को भी जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये है फूड किंग प्लाजा। फ्रेंड्स देखिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, अब हम उन्नाव पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हम लोग, हाँ पहुंच गए हैं और हम फिर लखनऊ में होटल में रुकेंगे रात को, सुबह निकलेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग स्किप मत करिएगा। और मेरा बेटा यक्षु सो गया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। ये देखिए फ्रेंड बोल रहा है मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मतलब बैठे बैठे तो थोड़ा बहुत तो निकले हैं बाहर, खेले हैं, फिर भी तो थोड़ी सी नींद पूरी कर रहे हैं। अभी उठेंगे फिर मैं दिखाऊंगी अब। तो फ्रेंड्स देखिए हमको निकले हुए, हम लोग सुबह 8 बजे का निकले हैं और अभी टाइम हुआ है 5 बजने वाले हैं और अभी 1 घंटे और लगेंगे हमें लखनऊ पहुंचने में। और ये, हाँ और ये हाईवे देखिए, देखिए हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे कितना फॉग हो गया है, फिर से शाम हो गई है। दिन में तो इतनी अच्छी धूप खिली थी, देख लीजिए कहाँ है होटल, कहाँ है भी और अंदर है क्या होटल? होटल 20-30 किलोमीटर। ओह माय गॉड, तो अभी हमें 30 किलोमीटर और आगे जाना है होटल के लिए। बुद्धेश्वर चौराहा, देखिए हम लोग इसी होटल में साथ रुकने वाले हैं। इसी होटल में रुकने वाले हैं? नहीं मैडम, देखते हैं किस होटल में जाते हैं, आप लोग को दिखाएंगे।
देखिए फ्रेंड अक्षित को क्या बन गया है होटल में आके। एक थानोस है, कैप्टन अमेरिका, सारे सुपर हीरो का पहन लिए हैं। और देख लीजिए कैसे लग रहे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए अक्षित कैसा लग रहा है। कम बेटा आओ, चलो पानी ना छूना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अब हम लोग होटल से निकल रहे हैं। हेलो यक्षित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए यक्षित अभी सो के उठे हैं और फिर ऐसे ही हैं, बस कपड़े थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, फेस वॉश हुआ है। और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से गाड़ी में। आओ स्पाइडरमैन बनने के लिए।